इस वीडियो में आपको बताऊंगी बहुत ही सुंदर लटकन कैसे बना। देखिए जो कपड़ा लिया है साइज बता देती हूँ। एक पीस की चौड़ाई मैंने 5.5 इंच ली है, लंबाई 5.25 इंच है, और देखिए जो दूसरा पीस है ये 6.5 इंच है और ये 7 इंच है। तो इसमें मैं डिज़ाइन देने वाली हूँ। तो जो 7 इंच लिया है इसमें से हम इस तरीके से इसको फोल्ड कर लेंगे और एक और फोल्ड कर लेते हैं। अभी इसकी हम शेप दे देते हैं। तो देखिए ये हमारे ये भी डबल फोल्ड है और ये भी है, ये 4 साइड का आ रहा है, ये ओपन आ रहा है, यहाँ पे 4 फोल्डिंग का क्लोज है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से इसकी गुलाई कर देंगे और सेम कट कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से शेप आ जाएगी। अभी हम इसको इस तरीके से उल्टा करेंगे और यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक स्टिच कर लेंगे। अभी इस पीस की भी शेप दे देते हैं। तो इस पीस को भी हम यहाँ पर चौड़ाई जो ली है इसको भी फोल्ड कर लेंगे सेम इस साइड में भी, और इसको भी इसी तरीके से गुलाई। देखिए ये पीस भी इसी तरीके से हमारा तैयार हो चुका है। इसको भी इसी तरीके से, ये सीधा पार्ट है और ये उल्टा है, तो यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक स्टिच कर लेते हैं। तो दोनों पीसों को हम स्टिच कर लेंगे, उसके बाद डिजाइन देंगे। तो देखिए जो ये पीस हैं अभी हम स्टिच कर लेते हैं, एक साइड से स्टार्ट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से इसमें कट भी दे दिए हैं। अब यहाँ से इसके बीच में एक कट दे देंगे जिससे हम इसको पलट सकें। अब इसमें से हम इसको बाहर की तरफ निकाल। इसको अच्छे से निकालने के बाद इसको आयरन कर लेंगे। इसी तरीके से दूसरा पीस भी तैयार कर लेते हैं। तो देखिए ये दोनों मैंने आयरन कर दिए हैं। और देखिए इसमें धागा ले लेते हैं, कोई भी कलर ले सकते हैं। तो इस पीस को मैं यहाँ पे इस तरीके से बड़ी बड़ी सिलाई डाल देंगे। इसको यहाँ पे इस तरीके से सिलाई को खींच देंगे, खींचने के बाद यहाँ पे अच्छे से टाइट कर देंगे। देखिए इस तरीके की हमारी ये डिज़ाइन तैयार हो जाएगी। सेम इसको भी इसी तरीके से तैयार। देखिए मैंने इसको भी इसी तरीके से स्टिच कर दिया है और इसको भी यहाँ पर लॉक कर देंगे। अभी देखिए ये वाले पार्ट को, जो इसकी गुलाई है वो इस साइड में जा रही है और इसकी गुलाई इस साइड में, तो हम यहाँ पे इसको इस तरीके से अटैच कर देंगे। तो इसी धागे से हम इसमें भी स्टिच कर देंगे। स्टिच करने के बाद वापस धागे को हम इस साइड में लेके यहाँ पर लेके आ जाएंगे, धागे को एकदम जहाँ से हमने ये स्टार्ट किया। मैंने ये मोती लिए हैं, मीडियम साइज़ के ले लिए हैं, और इन मोतियों को हम 4-3 जितने भी आप लगाना चाहते हैं उतने मोती लगा सकते हैं। तो एक साथ हम इस तरीके से धागे में पिरोगे लेते हैं इनको और यहाँ पे इसको टांका लगा देंगे। देखिए इस तरीके से ये मोती जो हमारे चारों इस तरीके से यहाँ पर आ जाएंगे। अब वापस यहाँ पर आएंगे हम और यहाँ से फिर से इसी धागे में से हम जो मोती हैं मोतियों में से फिर से निकाल लेंगे। इससे क्या होगा, हमारे जो मोती हैं अच्छे से टाइट हो जाएंगे। यहाँ इस तरीके से मोती आ चुके हैं। अभी जो मैंने डोरी ली है ये रेडीमेड डोरी ली है, आप चाहें तो कोई भी कलर की ब्लू में या पिंक में बना भी सकते हैं। तो इस डोरी को हम यहाँ पर पीछे की तरफ इसको स्टिच कर देंगे इसी धागे से, इसको भी अच्छे से टाइट कर देंगे, जो डोरी हमारी अच्छे से यहाँ पर तैयार हो चुकी। तो देखिए ये मोती मैंने अच्छे से टाइट कर दिए और डोरी भी टाइट हो चुकी है। तो आप देख रहे हैं कि कितना सुंदर है ये बटरफ्लाई में लटकन दिख रहे हैं हमारे। तो आप इस आसान तरीके से सुंदर से लटकन बना सकते हैं कुर्ती या ब्लाउज के लिए। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।